यीशु मसीह से जिन लोगों ने चंगाई ली, क्या किया यीशु मसीह को? हिला दिया, वो धक्के वाला नहीं, पकड़ के नहीं, यीशु मसीह अंदर से हिला दिया। ऐसा विश्वास पूरे इसराइल में मैंने देखा, या बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जक्कई चढ़ गया दरख्त पर एक्साइटमेंट के साथ, प्रभु को जल्दी आ, आज तेरे घर भोजन खाएंगे, मतलब वो हिला रहे थे प्रभु को। समझ पा रहे हैं? यही चीज है सीक्रेट, यही सीक्रेट। अपने अगुए को हिला दो, खुदा को प्रेयर में अपने कर्मों को से हिला दो, आप देखेंगे खुदा आपको वरदान देगा। अनॉइंटिंग कैसे लोगों को मिलती है? सीध एक सिंपल टॉपिक है, सिंपल है। एक ही लाइन में अगर मैं बोलूं, आप कहते हैं एक लाइन में बताओ अभिषेक कैसे ले सकते हैं, ये तो हुआ परमेश्वर से आप ऐसे करके आपको चलना है। अगर आप किसी अगुए का अभिषेक लेना चाहते हैं, अनॉइंटिंग लेना चाहते हैं, वो एक ही चीज है, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप में, अपने काम से, अपनी सेवा से उनको हिला दो बस। अगर वो हिल गए आपकी आपकी बातों से, आपके काम से, आपकी मेंटरशिप के नीचे अधीनगी में चलने में, सिस्टम में चलने में, कार्यों में, आपके कर्मों से, वो ऐसे वर्ड खुश होकर रिलीज करते आपकी लाइफ में, आप ब्लेस होते हैं अनॉइंटिंग में। हालेलुया। मैंने कई अपने संत देखे जिनको ये सीक्रेट पता है और उनके कर्म बाकियों से डिफरेंट है और वो डिफरेंट बढ़ते हैं फिर, यही सीक्रेट होता है। कई कई लोगों ने अपने अगुए को हिलाना तो क्या, फालतू का बोझ बन जाते हैं अपने अगुए पर, तो उनको पता नहीं मेरे मुझे अपने सन होने का रोल पूरा करना है, तो ही फादर की उस अनॉइंटिंग को, ब्लेसिंग को, उस ले हैंड, उस टच को मैं ले पाऊंगा। मुझे हिलाना है अपनी, अपने कर्मों से, अपने किसी भी तरीकों से, अपने रिलेशनशिप से, अपनी डिटेल भेजने से कि मेरी रिपोर्ट है जी मेंटरशिप में, मैं कितना फेथफुल चल रहा हूं, आप मेरा मीडिया का अकाउंट चेक कर ले, फेसबुक में फेथफुल चल रहा हूं, बोने में फेथफुल है, रिसीव करने में फेथफुल है, आप सच्चे लव में, अधीनगी में, हर चीज में मेहनत करने में। तो जब आप हिलाते हैं, बस यही है, जब आप वरदानों के लिए परमेश्वर को हिलाते हैं, प्रभु आपको वरदान देता है। आप अगुए को अपने हिलाते हैं कुछ करने से, अगुआ आपके ऊपर अनॉइंटिंग देता है। ये दो ही सीक्रेट है बस। सुलेमान को बुद्धि मिली, बहुत बड़ा राज्य मिला, बहुत बड़ा धन दौलत महल मिला, बहुत आशीषें मिली। क्या सीक्रेट? इससे पहले उसने बड़ी बलियां देके, बड़े बलिदान देके परमेश्वर को हिला दिया। और प्रभु हिल के रात को सपने में आ रहा है, क्या चाहिए? समझ पा रहे? मैं हिल गया तेरे काम से, ये तो नहीं किया। और ये हिलाना एक बार का काम नहीं होता है। क्या आप अगुए के पास आगे एक बड़ा सा बलिदान दे, ऑफरिंग दो, या एक बार को बड़ा सा काम करे और वो हिल जाएंगे? नो, आपको अपना चरित्र भी रखना होता है, आपको प्रैक्टिकली लॉन्ग चल के दिखाना होता है। कई बार लोग टीम में आते हैं, नए नए आते हैं, उनकी तरफ काफी जोश होता है सेवा करने का, पुराने लोग थोड़े ठंडे हो जाते हैं, वो डिले डिले काम करते हैं, नए आते हैं जोश के साथ करते हैं, मैं ऐसा करूंगा ऐसा, मैं उन्हें एक वर्ड देता हूं, मैंने कहा यही जोश अगर 5 साल तक रहा तो तू बहुत ब्लेस होगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, रिलीज करूंगा, या कुछ भी है 5-10 साल तक। समझ पा रहे हैं? तो वो होती है रिलेशनशिप। आप हर समय में खड़े रहते हैं, हर समय में मजबूत रहते हैं, हर पल में आप मजबूत रहते हैं। तो यही चीज है, अपने लॉन्ग रिलेशनशिप में हिलाना परमेश्वर को, अपने संबंध से, अपने अगुए को। शोभा यात्रा आ रही है, हिलाने के लिए तैयार है? अगले सोमवार शोभा यात्रा होगी, झूमेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आत्मिक रूप में ऐश करेंगे। तो दुनिया तो हमारे तो यही, हम तो मैरिजों में नहीं जाते, पार्टियों में नहीं जाते, हमारा तो यही है क्रिसमस, शोभा यात्रा, नाचेंगे, झूमेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, यीशु हमारे लिए आया, दुनिया को बताएंगे, अपने आनंद को बाहर जाके शेयर करेंगे। मैं जब जाता था, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को सेंड करता था, पूरी गाड़ियां गुड़ियां भर के गाड़ियों को ले आके अपने फादर की चर्च में जाता था, फिर मैं पूरी अपडेट सेंड करता था, ये ऐसे आया हूं मैं, मुझे पता हिलाना कैसे। समझ पा रहे? पर वो फेक नहीं होता था, वो चलाकी से नहीं होता था, बाद में पता चला कि मैं क्यों बढ़ रहा हूं, वो दिल से होता था, खुदा देख रहा है।
वो दिल से होता था। बाद में मैंने देखा अच्छा इस बातों के कारण मुझे इतना प्यार मिला उनसे, इतना कुछ मिला उनसे, इतनी अगुवाही मिली, इतना पर्सनल टाइम मिला मुझे उनसे इन बातों के कारण। जब वो गाड़ी में भी आते थे तो गाड़ी से ऐसे ऐसे चिल्लाता था, सिक्योरिटी टीम पीछे भगाता था, परे हो जाओ परे हो जाओ परे हो जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। एक दिन जब नए नए थे तो फर्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई एक चर्च, तो उन्होंने देखा वो लड़का कहते उसे आने दो, सिक्योरिटी टीम रोक रही थी। मैंने कहा ये हाँ नंबर बने अभी तो, हाँ रोक रही थी तुम्हें मैंने, हाँ वो आने दो उसे। मेरे साथ दो बार ऐसा हुआ, मैं हैरान हो गया कि वो, मैं आज मैं आपको सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ कि लेने का सीक्रेट क्या है। दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ, गाड़ी में रोक लो वो आ रहे, कहते यार मैं पास गया, हाँ हाँ प्रभु तुझे बहुत यूज करेगा, मैंने देखा तू बहुत प्यासा है प्रभु का, प्रभु तुझे बड़ा ओके वर्ड दिए कुछ मैं आप बताऊंगा, ओके मैं खुश हो गया। और उन्होंने कहा मिलूंगा मैं तुझसे, मैंने कहा ओके चलो ये वर्ड तो मिल गया, मिलेंगे, चाहे उसके बाद काफी साल निकल गए वो समय आने में। तो दूसरी बार मेरे पास ये कहते, जब मैं टेंट रूम में ऐसे खड़ा था, मैं था अपने ने तो बोला था मिलेंगे मिलेंगे, एक साल हो गया, इतना टाइम हो गया, तो मैं कब मौका ढूंढता था कब मुझ पर निगाह पड़े, ये वही बंदा है इसको बोला था कुछ। टेंट में ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा, टेंट के बाद भी आपको पता है टीम होती, जैसे मेरी टीम होती है जहां भी ग्रुप, टेंट के कॉर्नर में टीम्स होती, फिर भी मैं दूर में खड़ा, तो नीज ने दूर से ले हैंड कर रहे हैं, अचानक से ऐसे ले हैंड कर रहे हैं, उनकी निगाह पड़ी, बोले क्या लड़के को समझ पा रहे। ये एक्साइटमेंट, अगर आपकी यही एक्साइटमेंट आप अगुए से खुदा से कुछ लेते हैं, यही एक्साइटमेंट आप खुदा के सामने लेके जाते हैं, यही अपने मेंटर के सामने, आप जब हिलाते हैं कि आप भूखे हैं, आप इधर उधर भटकने वाले नहीं है, आप रियल फॉलोअर बन के चलने वाले हैं और हमेशा थैंक्स करने वाले हैं, जो मिलेगा मुझे सारी लाइफ मैं उसका थैंक्स करता हूं और मैं अधिक से अधिक मौके ढूंढता मैं कुछ करूं, क्योंकि मुझे पता है मैं सब कुछ वहीं से हूं, उस टीचिंग से हूं। जब ये चीजें आप समझ आते हैं खुदा आपको बढ़ाता है। हालेलुया।